अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज मैं अगेन आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं आज आपको दिखाऊंगा सुजुकी खैबर का सामान, और बहुत ही कम तादाद में जो है ना खैबर का सामान अब मार्केट के अंदर अवेलेबल है, क्योंकि बाहर से सामान आ नहीं रहा। सामान की खैबर की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा चल रही है, और अगर सामान मिलता भी है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से दुकानदार जो है ना अभी सामान नहीं लेके आ रहे। तो ये रीज़न है इसकी अवेलेबिलिटी की ना होने की। ठीक है, चलिए लेट्स सी। वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि अभी फ़िलहाल क्या क्या पड़ा होगा। ये डैशबोर्ड मैं आपको दिखाता चलूँ, इसकी मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, और ये डैशबोर्ड जो है ना माशाल्लाह से ये जेन्युइन डैशबोर्ड है। ठीक है, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई काम पैड के ऊपर ना, पूरे डैशबोर्ड के ऊपर किसी किस्म का काम नहीं हुआ। इस टाइम ये अपने रंग के ऊपर है, ठीक है, जेन्युइन रंग के ऊपर है, किसी किस्म का कोई रिपेयरिंग का काम इसके ऊपर नहीं किया गया। और ये गाड़ी हमारे पास पूरी कटी आई थी, मेरे ख्याल से सिल्वर या ब्लू कलर में ये गाड़ी आई थी। ठीक है, तो ये पहले भी मैं आपको डैशबोर्ड दिखा चुका हूँ, ये अभी खुद सेल नहीं कर रहे। ठीक है, बिल्कुल टोटल जिसे कहते हैं ना जर्मन डैशबोर्ड, ये वो वाला डैशबोर्ड है। ठीक है, और इसके स्विचेस वगैरह ये प्रॉपर वर्किंग है। ये देख रहे हैं कितने स्मूथ चल रहे हैं, ये देखें कितने स्मूथ इसके बटन चल रहे हैं। बाकी मुझे पर्सनली तौर पर ना ये डैशबोर्ड बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जर्मन कंडीशन के अंदर है, बहुत कम चीज़ें इस तरह की आती हैं। और एक ये लगा हुआ है, ठीक है, ये सॉरी ये खैबर का नहीं है, फिलहाल जर्मन में अभी यही खैबर का पड़ा हुआ है। अच्छा, तो सबसे बड़ा इशू आ रहा है कि अभी खैबर का सामान जो है ना वो नहीं आ रहा, और जो पहले का माल पड़ा हुआ है ना बस वही पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये सामान जो है ये मैं मेरे ख्याल से आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, दरवाजे चारों सेट, चारों का यानी कि सेट पड़ा हुआ है, और इस टाइम पे ये कोखे अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जी ये वाइट कलर के क्या नाम है दरवाजे पड़े हैं, ये भी कंप्लीट सेट पड़ा हुआ है इसका। ठीक है, और कंडीशन वाइज बिल्कुल ओके हैं, कोई रस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ओके सामान है, जर्मन दरवाजे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक और सिल्वर का सेट दिखाता हूँ, ये पीछे पड़ा हुआ है, ये भी खैबर का सेट है, चारों दरवाज़ों का सेट पड़ा हुआ है, और ये बड़ी देर से संभाले हुए जो दरवाजे हैं ना, ये वो इस टाइम पे वो वाले अवेलेबल हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ एक दरवाज़ों का सेट, ये वाला, ये भी वाइड है, ये भी खैबर का जो है ना दो दरवाज़ों का सेट पड़ा हुआ है, ये पीछे वाले दोनों दरवाजे हैं। ठीक है, कंडीशन वाइज सारे ओके हैं, कोई डस्ट वगैरह कहीं से गला गुला कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है जी, उसके बाद आ जाए फिर डैशबोर्डों पे। ये वाला डैशबोर्ड पड़ा हुआ है, ये है ब्लैक कलर के अंदर, बाकी रैप वगैरह किया हुआ ताकि कोई डस्ट वगैरह ना आए, और स्क्रैचेस वगैरह से बचाने के लिए ना इन्हें प्रॉपर, ये देखें ये रैप किया गया डैशबोर्डों को। और दूसरी बात बताते चलूँ कि ये जो डैशबोर्ड है ना, इनके ऊपर अगर काम भी हुआ होगा ना, सिर्फ इनके ऊपर वो पेंट शेंट किया होगा क्लियर करने के लिए, बाकी क्रैक वगैरह किसी पे किसी किस्म का कोई रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ होगा। ठीक है जी, और ये स्टीयरिंग वगैरह, ये मेहरान के कंसोल। ठीक है, उसके बाद मज़ीद खैबर का जो सामान है ना वो भी यही है, मज़ीद कोई सामान अवेलेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि सामान बाहर से आ नहीं रहा, तो इस टाइम पे खैबर का जो सामान है यह अवेलेबल है पूरी मार्केट में, जो है किसी के पास सही सामान नहीं पड़ा होगा जी। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके साथ जो बेल आइकॉन है इसे लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।